नमस्कार, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज़। मून सिटी न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार के किसान खाद की किल्लत से परेशान है। किसी भी जिले में चले जाइए और किसान से खाद की स्थिति को पूछ लीजिए तो किसानों के चेहरे पर मायूसी और क्रोध नज़र आ जाएगा। यूरिया की किल्लत है, जितनी खाद की ज़रूरत है उतनी पूरी नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक किसान को खाद की पूर्ति करने के लिए कहीं कहीं थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा भी देना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को किसान स्वीकारते नहीं हैं। और यह हाल एक जिले का नहीं है, पूर्णिया से भवानीपुर और कटिहार तक का यही हाल है। सुबह दुकान खोलते हैं, किसानों की भीड़ लग जाती है। कई किसानों को तो बिना यूरिया लिए वापस भी जाना पड़ता है और दावे किए जा रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। यहाँ कृषि विभाग का दावा है क्षेत्र भर के किसानों के बीच यूरिया की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर की बात यह है कि किसानों को घंटों लाइन में लगने के बाद एक आधार कार्ड पर 2 कट्टे यूरिया ही मिल पा रही है। आइए जानते हैं दुकानदारों एवं किसानों से। क्या दिक्कत हो रहा है मिलने? यूरिया। अच्छा, क्या अभी क्या रेट चल रहा है? 270 दिया। हाँ जी, बताएं क्या कारण है जो यूरिया किसानों को बड़ी कठिनाई के साथ मिल रहा है? किसान को जितना जरूरत है उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके कारण ज़्यादा परेशान झेल रहा है किसान। कहाँ से आता है यूरिया? यूरिया गुलाबबाग से। गुलाबबाग से यहाँ उतर ही नहीं रहा? गुलाबबाग से जो भी अलॉटमेंट होता है उतना में किसान को पूर्ति नहीं हो पा रहा। क्या नाम हुआ और कहाँ से है? मेरा नाम जोगिंदर साहब हुआ, भवानीपुर, माँ भवानी तरफ।